नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे खबरें फटाफट में। फटाफट न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय जेनेसिस कोचिंग इंस्टीट्यूट नगरोटा बगवां। नुकसान का जायजा लेने हिमाचल पहुंची केंद्रीय टीम, सोलन परवाणु सहित मंडी के थुनाग में देखे हालात। पहाड़ी दरकने से खतरे की जद में आया आनी का गुंगी गांव, प्रशासन ने खाली करवाए 7 मकान। मंडी कटौला बजौरा मार्ग फिर बंद, नॉर्थ कैंपस आईआईटी कमांड के पास धसी सड़क। 18 घंटे बाद मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे बहाल, सभी तरह की गाड़ियों के लिए पंडोह तक खुला मार्ग। पहाड़ी से गिरी चट्टान ने ढहाया कहर, चौपाल में 3 परिवार हुए बेघर। सीएम के आदेशों पर 24 घंटे में कार्रवाई, ऑट और बाली चौकी बाजार में स्थापित हुई सोलर स्ट्रीट लाइट्स। 32 मील के पास 4 घंटे लंबा जाम, बारिश से मंडी पठानकोट एनएच पर गिरा पहाड़ी का मलबा। जल प्रलय से जल शक्ति विभाग को 1500 करोड़ का नुकसान, सुंदरनगर में बोले डिप्टी सीएम। डिपो और गोदामों में आटा चावल में नमी पाई जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई, हमीरपुर में जिला नियंत्रक ने दी चेतावनी। बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे डीसी हमीरपुर, खैरी जंगल बैरी में लिया मरम्मत कार्यों का जायजा। सोलन में रेट लिस्ट ना लगाने पर 14 व्यापारियों के चालान, सब्जी विक्रेताओं में मचा हड़कंप। सिविल अस्पताल ज्वाली के पास धराशायी हुआ डंगा, खतरे के साथ लगता 3 मंजिला भवन। फॉल आर्मी वर्म का अटैक, किसानों की 828 हेक्टेयर में फैली मक्की तबाह, अब तक 8 लाख का नुकसान। अब भूखे नहीं रहेंगे इंद्रहार जोत के पास फंसे भेड़ पालक, पंचायत ने चाटा नाला पर बनाया अस्थायी पुल। आईपीएच के कर्मचारियों ने चेन बनाकर ऐसे पार की उफनती नदी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। खबरें फटाफट में, आज के लिए इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। लगभग 8 साल पहले शुरू हुए इस संस्थान ने अनगिनत डॉक्टर, इंजीनियर और डिफेंस ऑफिसर समाज को दिए हैं। जेनेसिस कोचिंग संस्थान अपने अनुभवी अध्यापकों व कुशल प्रबंधन के कारण हर रोज सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। यहां पर कांगड़ा जिला के ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों जैसे चंबा, पांगी, मंडी आदि के बच्चे भी यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण कर अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीकों व सुविधाओं के साथ बच्चों को 9वीं से ही उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता है। बच्चों को बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कम्पिटिटिव परीक्षाएं जैसे नीट, जेईई, एनडीए, एनटीएससी, एसटीएससी व ओलंपियाड आदि की तैयारी भी करवाई जाती है। अति प्रतिभाशाली व जरूरतमंद बच्चों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए संस्थान द्वारा सुपर 30 बैच का शुभारम्भ भी किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को निशुल्क कोचिंग व आवासीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये कार्यक्रम संस्थान के दोनों केंद्रों नगरोटा बगवां व पालमपुर में चलाया जा रहा है।